सो है दे, ये है IPL 2019 का एक और क्विक अपडेट वीडियो। और आज के इस वीडियो में बात करते हैं इंजुरीज को लेके। IPL 2019 जैसे जैसे पास आते जा रहा है, इंजुरीज बढ़ती जा रही हैं, और ऐसा ही हुआ है KKR की टीम के साथ। KKR के दो बड़े खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके हैं। पहले हैं भाई शिवम मावी, युवा तेज गेंदबाज हैं, अच्छी तेज गेंदबाजी करते हैं, और भाई बैक स्ट्रेस की वजह से बैक में उनको फ्रैक्चर हो गया है, तो इसकी वजह से वो रूल्ड आउट हो चुके हैं पूरे सीजन से। दूसरा खिलाड़ी है कमलेश नगरकोटी ने साल 2018 का सीजन भी मिस किया था। ये है भाई साल 2018 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप के बॉलिंग सेंसेशन थे ये, पर अब साल 2019 में भी ये रूल्ड आउट हो चुके हैं, इनको भी इंजुरी आई है। और अब इनकी जगह किनको बुलाया गया है रिप्लेसमेंट, KKR ने एक ही रिप्लेसमेंट अभी तक नेम किया है, जो है भाई संदीप वॉरियर करने वाले हैं कमलेश नगरकोटी को रिप्लेस। और भाई संदीप वॉरियर अब है कौन? तो संदीप वॉरियर इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, केरला की तरफ से सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने खेला था और अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 6 मैच में 8 विकेट्स लिए हैं और साथ ही 1 हैट्रिक भी लिए उन्होंने, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। 6 की इकोनॉमी से बॉलिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यार भाई अब KKR के पास फास्ट बॉलर्स बहुत कम रह जाते हैं। ये 2 मेन फास्ट बॉलर्स थे, वो भी चले गए, तो अब देखना पड़ेगा। एनरिच नॉर्थ जी एक बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर है साउथ अफ्रीका के, वो हैं अभी इनके पास, तो अब देखते हैं यार भाई फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्या करती है KKR की टीम। संदीप वॉरियर भी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। ये थी यार IPL की एक छोटी सी क्विक अपडेट। अच्छी लगी हो वीडियो को तो लाइक और शेयर कर